अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, मैं हूँ सुफिया हुमायूनी। आज हम आए हैं टिक्का चाय पे और यहाँ की चाय है कुछ खास जो कि हमें पता चला, तो हमने सोचा हम भी ट्राई करते हैं और अपने व्यूअर्स को भी लेके चलते हैं। तो अगर आप भी देखना चाहते हैं कि मटका चाय पे क्या है खास, तो फिर चले हमारे साथ। बना रहे एक मटका पराठा और एक चिकन चीज पराठा। मटका पराठा हमारा मटका चाय की स्पेशल पराठा है, तो आज हम आपको बना के दिखाएं। इसके ऊपर फिर पिज्जा सॉस आएगा, फिर ये चीजें डाल देंगे। अच्छा, तो जब आप ये पराठे को फ्राई करेंगे तो ये चीजें ओलिव्स वगैरह इसमें से निकल नहीं जाएंगे? नहीं, वो फ्राई नहीं करेंगे। जब हम लोगों ने ऊपर डाला, फिर आखिरी में इसके ऊपर चीज डालेंगे, फिर इसको ओवन में पका लेंगे। ये मटका पराठा है। जबरदस्त टाइम पास ये भी हो गया। 5 and 3, 1 2 3 4 5, 1 2 3। Now it's your turn. अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूँ सूफिया हुमायूं मुनीफ। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। जनाब, आज हो रहा है कराची का मौसम बहुत खूबसूरत और इस वक्त है टी टाइम। तो इस वक्त हम लोग का प्लान बना है कि कहीं चलते हैं, बैठकर कहीं चाय पीते हैं। इंडोर बैठ के चाय पीने की तो काफ़ी सारी जगह है, लेकिन आज हमारा मूड थोड़ा सा डिफरेंट है। जो आपका चाय शाय टाइप के स्टॉल्स होते हैं या टी के, वहाँ पे जाएंगे। इस वक्त ना मौसम अच्छा है, बादल आए हुए हैं ज़बरदस्त, और ट्रैफिक इस वक्त जैम हो गया है। वो इसलिए कि जब मौसम अच्छा होता है तो शायद जिस हमारी तरह और भी सबका मूड हो जाता है, कहीं बाहर निकलें, कहीं राउंड लगा कर आते हैं, तो लिहाजा ट्रैफिक जैम तो होना ही था। जी व्यूअर्स, सी व्यू पे क्लॉक टावर के ऑपोजिट डबल रोड पे हम स्ट्रेट जाएंगे तो ये टी कैफे हमारा आ जाएगा। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूँ सूफिया हुमायूं मुनीफ। आज हम आए हैं मटका चाय पे और यहाँ की चाय है कुछ ख़ास जो कि हमें पता चला, तो हमने सोचा हम भी ट्राई करते हैं और अपने व्यूअर्स को भी लेके चलते हैं। तो अगर आप भी देखना चाहते हैं कि मटका चाय पे क्या है ख़ास, तो फिर चले हमारे साथ। जी व्यूअर्स, इस वक्त मटका चाय पे हम पहुँच गए हैं और हम आज आपको दिखाएंगे मटका चाय का किचन भी। ये जनाब, चाय के काफ़ी सारे फ्लेवर्स मौजूद हैं, इलायची मसाला, अदरक चाय, कश्मीरी टी, ग्रीन टी भी है, ज़बरदस्त। जी व्यूअर्स, ये है यहाँ पर मटका चाय का मेन्यू। यहाँ पे रोल्स के भी ऑप्शन है, बासा भी है, अरे यहाँ तो कढ़ाई भी है, ज़बरदस्त। हम तो समझ रहे थे हमारी उसको सिर्फ ये चाय वाला सेटअप है, लेकिन यहाँ तो डिनर का भी इंतज़ाम है, और बारबेक्यू और रोस्ट, सैंडविचेस, बर्गर और पराठा भी है बहुत तरह का। जो इनका चिकन चीज़ पराठा है वो बता रहे हैं कि अच्छा होता है इनका। जी व्यूअर्स, इस वक्त हम आ गए हैं मटका चाय के किचन में और यहाँ पे शेफ़ हैं। ये क्या बना रहे हैं आप? आइए जी, हम बना रहे हैं एक मटका पराठा और एक चिकन चीज़ पराठा। चिकन चीज़ पराठा, मटका पराठा हमारा मटका चाय की स्पेशल पराठा है, तो आज हम आपको बना के दिखाएं। सही व्यूअर्स, ये इनका स्पेशल पराठा है और ये हम ट्राई करेंगे, और साथ में एक चिकन चीज़ पराठा ऑर्डर किया है। ये है चिकन बोटी वाला। ये इन्होंने पहले पिज्जा सॉस डाला, फिर उसके बाद हम इसके ऊपर चिकन डालेंगे। ये मटका पराठा दो लेवल में कंप्लीट होता है, इस पे दो लेवल लगता है। पहले ये चिकन ऐसे ही आता है, फिर बाद में इसके पिज्जा के सामान ऊपर लगता है। ये चिकन चीज पराठा रेडी हो। जो पिज्ज़ा पराठा है उसमें पिज्ज़ा सॉस लगा है, और जो चिकन चीज़ पराठा है उसमें पिज्ज़ा सॉस आपने नहीं लगाया? नहीं नहीं, चिकन चीज़ पराठा अलग होता है। सही जी, हम इसको ऐसे पका लेंगे, फिर इसके ऊपर शिप होगा जो पिज्जे का सामान है। अच्छा, इसके ऊपर डालेंगे? जी जी, ये पिज्जे मुझे लगा कि ये फिलिंग आप इसके अंदर। नहीं नहीं, ये ऊपर आएगा, ब्लैक ऑलिव मशरूम
गाजर, शिमला मिर्च, ये उसके ऊपर आएगा, फिर चिकन आएगा इसके ऊपर, फिर पिज्जा सॉस आएगा, फिर ये चीजें डाल देंगे। अच्छा, तो जब आप ये पराठे को फ्राई करेंगे तो ये चीजें ओलिव्स वगैरह इसमें से निकल नहीं जाएंगे? नहीं, वो फ्राई नहीं करेंगे। जब हम लोगों ने ऊपर डाला, फिर आखिरी में इसके ऊपर चीज डालेंगे, फिर इसको ओवन में पका लेंगे। ये मटका पराठा है। चिकन चीज पराठा भी रेडी हो गया है। कितना अर्सा हो गया आपको ये काम करते हुए? मुझे 8 साल हो गए। जी व्यूअर्स, हमारे ये दोनों पराठे तैयार हो रहे हैं। एक मटका पराठा इनका है और एक ये इनका है चिकन चीज पराठा। ये कितने टाइम में रेडी हो जाएंगे? ये तकरीबन 5 मिनट में। 5 मिनट जी। इसके ऊपर आएगा 3 स्लाइस चीज। अभी चीज रखने के बाद बेक करेंगे या हीट से खुद ही ये सेट हो जाएगा? नहीं, बस हवन में डाल देंगे। हवन में रखेंगे ना? जी जी। व्यूअर्स, ये हमारा मटका स्पेशल पराठा और अब इसके बाद हम बेक करेंगे। ठीक है, ये जाएगा हवन। ये हो गए, अब इसकी कटिंग हो जाएंगी। ये तो ठीक है, बस चीजी पिज्जा पराठा इस वक्त रेडी है। ये चिकन चीज पराठा। ये इस वक्त फ्राइज तैयार हो रहे हैं। ये फ्राइज में आप क्या डाल रहे हैं, कॉर्नफ्लोर या क्या चीज़ होती है? कॉर्नफ्लोर डाल रहे हैं। अच्छा, जितने भी ये फ्लेवर्स हैं फ्राइज के, तो उसमें यही वाले आपके मेनली यूज़ होते हैं। ये फ्राइज ज़बरदस्त, कितने प्यारे फ्राइज इस वक्त रेडी हुए हैं। ये देखिए हमारे कितने ज़बरदस्त फ्राइज है। मतलब भी मतलब केएफसी पे भी इतने ज़बरदस्त फ्राइज नहीं देखे। ओह, मेरा हाथ जल गया ये बात बताने में। जी व्यूअर्स, इस वक्त हम हैं मटका चाय के किचन के अंदर। और आपका नाम? नासिर खान काका। आप यहाँ के ओनर हैं? जी, मैं यहाँ के ओनर हूँ। ओनर है जी। तो आज आप हमें कौन सी खास चाय पिलाएंगे? मेरे पास तो बहुत चाय, मटका स्पेशल चाय है और कश्मीरी चाय है, दूधपत्ती चाय है। आपकी अदरक चाय की भी बहुत तारीफ सुनी है। अदरक चाय भी, अदरक चाय भी। तो आपकी चाय भी ट्राई करते हैं और साथ में आपके जो पराठे, सैंडविचेस और काफी सारी चीजें। ठीक, मशहूर चाय। क्या जबरदस्त चाय है। हेलो, जबरदस्त टाइम पास ये भी हो गया। 5 and 3, 1 2 3 4 5, 1 2 3। नाउ इट्स योर टर्न। सॉरी, मेरी वोट लिखी। जी व्यूअर्स, ये है ज़बरदस्त से चीज़ी पिज़्ज़ा फ्राइज। वाओ, ज़बरदस्त। जी व्यूअर्स, ये हमारा है पिज़्ज़ा पराठा इस वक्त रेडी। और इसको टेस्ट करके बताते हैं। नहीं, पिज़्ज़ा पराठा नहीं है, ये है इनका मटका स्पेशल पराठा। ज़बरदस्त चीज़ी फ्लेवर है और स्पाइसी बिल्कुल नहीं है। इट्स गुड। ये है जनाब चिकन चीज पराठा। जी व्यूअर्स, फाइनली ये मटका चाय आ गई है। और ये वो मटका चाय जिसकी वजह से इस जगह का इन्होंने नाम मटका चाय रखा है। तो इसको भी टेस्ट करते हैं कि कैसी है। जबरदस्त चाय है। और ये जो मिट्टी के पॉट में शायद इन्होंने बनाई है, तो इसमें एक मिट्टी का एक अलग एक खुशबू आ रही है। और इस वक्त हमने ऑर्डर की थी जिंजर चाय, तो ये जिंजर टी है और साथ में इस मिट्टी के बर्तन में बनने की वजह से इसका टेस्ट बहुत डिफरेंट है। जी व्यूअर्स, आपको हमारा आज का व्लॉग कैसा लगा? अगर पसंद आया हो तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए और हमें भी अपनी दुआओं में याद रखिए। फी अमान अल्लाह। थैंक्स फॉर वॉचिंग मुनीफ टीवी।